हाय, दिस इज़ न्यू वीडियो। और आज मैं आपको फिर से पांच बॉक्सेस को अनबॉक्सेस करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले जो है मैंने अमेज़ॉन से ये कुछ पिल्लो मंगाए हैं, और ये बहुत ही कॉम्पैक्ट आ जाता है। इसमें हम हवा भर सकते हैं। ये इसका नॉब है, इस नॉब से हम हवा भर के यहाँ से इसे हम पिल्लो बना सकते हैं, जो बहुत ही यूज़फुल है हमारे लिए, क्योंकि कैंपिंग के दौरान पे अंदर टेंट के अंदर हमें सोना पड़ता है। तो जब हम कुछ पिल्लो वगैरह की जैसे कुछ चाहिए तो हम पूरे पिल्लो को ले नहीं जा सकते हैं ट्रैवल के दौरान पे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्पेस ले लेता है। तो हम ऐसे कॉम्पैक्ट चीज़ों को लेते हैं जो कि हमारे लिए बेहतर होता है, और उनमें से ये एक है। यहाँ से हम इसे ऐसे पुश करके हम इसे हवर इसमें डाल देते हैं, चाहे अपने मुंह से डालें या फिर कुछ मशीनी तरीके से डालें या फिर हैंड पंप से डालें, किसी भी चीज़ से अगर डालते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसमें एयर लेने के बाद हम इसे इस नॉब को बंद कर दें ताकि ये रिलीज़ ना हो जाए। और वैसे भी ये रिलीज़ नहीं होता, इसे रिलीज़ होने के लिए, इस हवा को रिलीज़ करने के लिए यहाँ पे इस नॉब को फिर से ऐसे दबाना पड़ता है, तो फिर जाके ये रिलीज़ हो जाता है। ये एक छोटा सा चीज़ है जिसे ज़्यादा हमें दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है कि किस तरह से ये फुल जाएगा और कितना इसका लेंथ आ जाएगा। क्या सोच है रे तेरी? मानना किया था, और मुझे ये चार पीसेस मिले हैं कैंपिंग के दौरान। अगर चार तो चारों यूज़ हो जाएंगे, या अदरवाइज अगर कोई मेरे साथ में आता तो उसके लिए भी यूज़फुल होगा। ओके, सेकेंड आइटम है, सेकेंड बॉक्स के अंदर हमें मिलता है। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। मतलब मैं क्या बोलूँ, इसमें क्या हो सकता है। अगर किसी को किसी ने परचेस किया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे आप दोना। बट फिर भी मैं इसे रिवील करता हूँ क्या है, जबकि इसे मुझे खोलना चाहिए साइड से। यहाँ से चेन मुझे जिप नहीं मिल रहा इसका। ओके, हाँ मिल गया, एक और पोर्टेबल, एक और पोर्टेबल आइटम जो कि कैंपिंग के दौरान पे बहुत ही यूज़फुल है। इस बॉक्स को हम साइड में रखते हैं और इसे हम ऐसे नॉब्स में लगा लेते हैं। ओके, मैंने इसे लगा लिया है। आपको पता है ये कैसे लगेगा, ये यहाँ पे रिंग रिंग होके लग जाता है, ये ऐसे एडजस्ट होता है नॉर्मल बेस पे। और इसे मिट्टी वगैरह खोदने के लिए बहुत ही ज़्यादा ये काम में आता है। हम इसे मिट्टी विट्टी खोद सकते हैं, कुछ भी, कहीं गड्ढा वड्ढा खोदने के लिए कैंपिंग के दौरान पे अगर कोई चीज़ हमें गाड़ना है या फिर आग जलाना है तो फिर उसके लिए भी गड्ढा खोदना होता है, उसे गड्ढा खोद के फिर उसमें लकड़ी लगाना होता है। और इस तरफ से भी ये भी काम में आ जाता है, दोनों तरफ से दोनों काम में आ जाते हैं, आप जिस तरह से इसे काम में ले सकते हैं। बट यूज़फुल है, यूज़। भाई मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। इसलिए हमें ये सब सामान का बहुत ज़्यादा, किट्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाता है, तो हम इन सब चीज़ों को लेते हैं। ओके, अब जो आइटम है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। ये आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा यूट्यूब में। नहीं इस टॉर्च के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं, बोलते हैं बहुत ही अच्छा है। आई नो, मैंने इसे एक बार यूज़ किया है, सच में ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। एक्चुअल में ये थ्री मोड में आने वाला एक कॉम्पैक्ट टॉर्च है। आप इसके ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, फोकस, डायरेक्ट फोकस कर सकते हैं। एंड ये यूज़ ऐसे ये बड़ा हो जाएगा, और इमरजेंसी के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ऐसे इमरजेंसी सिग्नल दे सकते हैं। और अगर साइड में अपने किसी टेंट के अंदर अगर आपकी रोशनी चाहिए तो आप इस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे तीन परचेज़ किया है, मैंने इसे ऑनलाइन परचेज़ नहीं किया है, मैंने यहाँ पे ही किसी बायर से मैंने लिया, तो मुझे काफ़ी सस्ता में आया। एक्चुअली वो जो रेट देते हैं उस रेट से मुझे काफ़ी सस्ते में मिल गया। एक्चुअली वो जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे, दोस्त का शॉप था इसलिए मुझे मिल गया और भी सस्ते में। ओके, अब जो नेक्स्ट आइटम है ये, हाँ ये भी मैंने अमेज़न से परचेज़ किया है, और इसके अंदर आपको ये काफ़ी यूज़फुल है, ये बॉटल है,
और ये इसका नॉप है, यहाँ से आप खोल के इसे पानी भर सकते हो। ये पूरा फुल जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने के बाद इसमें पानी स्टोर हो जाता है। आप तो कैंपिंग के दौरान में पानी अगर आपको लेना है कहीं, क्योंकि पानी का बहुत ज़्यादा काम होता है कैंपिंग में, खाना बनाना और हाथ धोना, फिर और भी चीज़ों के लिए पानी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो आप इस तरह के बैग्स को, आपको कॉम्पैक्ट पैक को लेना चाहिए, क्योंकि पानी स्टोर अगर आप करते हो तो फिर आप बड़े बड़े जहाज़ को लेके नहीं जा सकते, क्योंकि उस टाइम पे आपको छोटे कॉम्पैक्ट, जो जगह कम ले आपके लिए, ऐसी चीज़ों को आप लेते हो। तो आई होप कि मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। इसके बाद वाला जो आइटम है, मैंने इसे भी अमेज़ॉन से परचेस किया था, और ये एक बहुत ही यूज़फुल है। मैंने इसे यह है, आप इसे अपने घर पे भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये घर पे यूज़ नहीं होगा। ये 250 ml का एक छोटा सा मिक्सर ग्राइंडर है जो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी में चलता है, बट ये आपको करंट में से चार्ज हो जाएगा। आप इसे चार्ज कर सकते हो, और इसे यूज़ करने के लिए आपको बस सिंपल चीज है, बहुत ईजी टू यूज़ है, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ एक छोटा सा केबल भी मिला है मुझे, ये इसका मेन पार्ट यही है, इसी में पूरे इंजीनियरिंग करके रखी हुई है जिन्होंने इसे बनाया है, जिन्होंने सोचा है कि और भी ज़्यादा मेहनत को कम कर दें। और ये इसका केबल आ जाता है छोटा सा इसे चार्ज करने के लिए, और इसका चार्जर पोर्ट ये रहा, ये इसका चार्जर पोर्ट है। मैंने इसे अभी तक यूज़ नहीं किया है, इसे ऐसे डाल के इसमें डालने के बाद, और हम इसे ऐसे लॉक्ड करते हैं। ओके, ये लॉक्ड हो गया। जैसे ये लॉक्ड हो गया, ये ऊपर में इंडिकेट कर रहा है कि लॉक्ड हो गया और अब आपको इसे यूज़ करना है। तो हम इसे प्रेस करेंगे, देन स्टार्टेड। आप सच में इसे बहुत सारे चीज़ों को मिक्स कर सकते हैं, उसे पेस्ट बना सकते हैं, क्योंकि जब हम कैंपिंग में होते हैं तो हमें बड़े बड़े चीज़ों को लेना नहीं होता है, एंड हम इस छोटे से पोर्टेबल चीज़ को, मिक्सी को लेके हम अपने कुछ छोटे मोटे, जैसे हमें ग्राइंड करना है कोई भी चीज़ों को, तो हम उसे ग्राइंड कर सकते हैं इसमें। तो मैंने इसे इसी पर्पज़ से लिया है, एंड देखिए ये बार बार लोकेट कर रहा है कि आप इसे अब यूज़ कर सकते हैं, आप इसे यूज़ कर। तो अगर आपको इस तरह से नहीं करना है तो आप इसे खोल दें, खोल के इस ये जो इसका सिस्टम है इसे हटा दे। अब इसके बाद जब इसे बंद करोगे तो अगेन ये फिर से बोल रहा है करने के लिए, बट हमें पता है कि नहीं करना। ये AI सिस्टम नहीं है जो इतना स्मार्ट होगा कि इसे पता होगा कौन सी चीज़ बाहर है कौन सी चीज़ अंदर है। आई होप मैंने सभी चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से बताया होगा, आप सभी को समझ में आया है। मतलब मुझे और क्या क्या चीज़ रिकमेंड कर सकते हैं आप अपने कैंपिंग के दौरान में, मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर जो भी आप बोलोगे तो मैं डेफिनेटली उस चीज़ को लेके आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो बना सकता हूँ, उसका रिव्यू दे सकता हूँ। थैंक यू। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।